हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत खास है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ, अगर आपने वो काम कर लिया खास होली के दिन, जी हाँ दोस्तों, तो आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। जी हाँ, और आपके धन में बरकत होगी। आपने अगर ये छोटा सा काम कर लिया होली के दिन, जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली आपकी इच्छा पूर्ण करे, आपकी कोई बहुत ही मतलब ऐसी कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो आप इस उपाय को होली के दिन जरूर कर लीजिए, मौका हाथ से ना निकल जाए। और दोस्तों आपकी मनचाही इच्छा तो पूर्ण होगी, लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं इसी उपाय में एक उपाय बताऊंगा, जिसे आपने कर लिया ना तो आपकी मतलब जो धन में कभी भी कमी नहीं आएगी और आपकी बरकत बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में ये उपाय भी जरूर देखिए, इसी के साथ ये उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पे पूरे बने रहिए, और दोस्तों वीडियो से शुरू होने से पहले दोस्तों आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपका ध्यान नहीं रहेगा। और दोस्तों चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको होली के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, और दोस्तों चोला चढ़ाने के साथ साथ आपको क्या करना है ये हम जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको होली के दिन सुबह के टाइम बिल्कुल एकदम स्वच्छ होके, तन मन स्वच्छ होके, कपड़ा एकदम बिल्कुल साफ सुथरे पहन के, और हो सके तो लाल वस्त्र धारण कर लीजिए, आपको मंदिर जाना चोला लेके। और दोस्तों आपको चोले के साथ साथ क्या चाहिए पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको चमेली का तेल चाहिए, एक गुलाब के फूल की माला चाहिए, और आपको केवड़े का इत्र चाहिए, और एक पान का पत्ता चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना आपको सामान लेकर जाना। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों आप जब मंदिर जाएं तो आप हनुमान जी को के सामने पहले चमेली के तेल का दीपक जला लें। जी हाँ दोस्तों, दीपक जलाने के बाद आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, और जैसे कि आप पूजन करते हैं वैसे आप पूजा पाठ कीजिए, लेकिन ध्यान दें कि चोला चढ़ाने के बाद और उसके बाद आपको गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ानी है, और उसके बाद आपको केवड़े के इत्र को हनुमान जी की जो मूर्ति है उनके दोनों कंधों पर छिड़कना। जी हाँ दोस्तों, ये काम करना, और पूजन करते हुए श्री राम और श्री हनुमान जी का स्मरण जरूर करते रहिए। जी हाँ, ये काम आपको सिर्फ इतना सा करना है, चोला चढ़ाते हुए आप श्री राम और हनुमान जी का भी नाम लीजिए, और चमेली का तेल का दीपक जलाना है आपको, और जैसे कि मैंने बताया कि उनके कंधे पे चमेली के तेल की छींटे मारनी है हनुमान जी के। जी हाँ, और गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ानी है। और दोस्तों आपको एक पान के पत्ते में गुड़ और थोड़ा सा चना रख देना। जी हाँ, थोड़ा सा गुड़ और चने रख लीजिए, और उसी का आपको हनुमान जी को भोग लगाना है। जी हाँ, ये आपको भोग लगाना है, बस इतना काम करना, बस आप आराम से बैठ के पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आप भीम पे बैठकर आपको पांच माला तुलसी की मैं आपको स्क्रीन पे एक मंत्र दिखा रहा हूँ, ये पांच माला आप बैठकर इस मंत्र का आपको जाप करना, बस इतना सा काम करना। दोस्तों अगर आपने इतना काम कर लिया ना, फिर देखिए आपकी मनचाही इच्छा हनुमान जी कैसे पूर्ण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं अगर होली वाले दिन हम हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं और ऐसे ही बिल्कुल विधि अनुसार करते हैं, तो हनुमान जी गारंटी के साथ कहता हूँ उसकी इच्छा जरूर जरूर पूर्ण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक चीज और, अगर आपको अपने धन में बरकत चाहिए तो दोस्तों आप लास्ट में इतना सा उपाय कर लीजिए, आपने जो हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला पहनाई है उसमें से आप एक गुलाब का फूल तोड़ लें और उसे लाल कपड़े में लपेट लें। जी हाँ, और उसे घर ले जाकर आप अपनी तिजोरी में रख लें। जी हाँ, अगर आपने इतना काम कर लिया ना तो देखिए कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी और आपकी बरकत बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा और छोटा सा उपाय, यह आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।